दोस्तों WWE फैंस अंडरटेकर के नाम से वाकिफ होंगे, वो जानते हैं कितने खतरनाक खिलाड़ी है वो WWE की रिंग में। कैसे वो जब गुस्से में आते हैं तो अपने प्रतिद्वंदियों की धुनाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताने वाले हैं कैसी सच्चाई जो हमारे भारतीय पहलवान सतपाल सिंह से जुड़ी हुई है। क्योंकि एक बार अंडरटेकर ने भारत के महान रेसलर को लड़ने का ऑफर दिया था, यह कोई और नहीं बल्कि महाबली सतपाल सिंह थे। सतपाल दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के गुरु हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में सतपाल ने बताया था कि उन्हें अंडरटेकर से लड़ने का मौका मिला था। सतपाल ने बताया कि WWF जो अब WWE के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरे पास ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे, भारत से अपना पहलवान बनाने की बात मुझसे कही थी कि आपको हम भारत देश की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मुझे कुछ वक्त के लिए अपना हैवीवेट चैंपियन भी बनाएंगे जो उनकी WWE चैंपियनशिप होती है, लेकिन मुझे उनके कहे अनुसार लड़ना होगा, यानी जो उनकी स्टोरी लाइन जो स्क्रिप्ट होगी उसके अनुसार ही इनको मैच जीतना या हारना होगा। इन्होंने ये भी बताया कि मैं और मेरे साथी कुछ वक्त उनसे जुड़े भी, पैसा भी अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मुझे अंडरटेकर से मार खानी होगी तो मुझे उसका गुस्सा याद आ गया, और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे पैसे भी मिलेंगे तो मैंने मना कर दिया। ये बात दोस्तों सतपाल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इस समय WWE की रिंग में भारत की तरफ से काफ़ी सारे रेसलर हैं जो लड़ते नज़र आ रहे हैं, जिसमें जिंदर महाल हैं, जिसमें रिंकू शेंगी, कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं, लेकिन अंडरटेकर के सामने सतपाल को लड़ने का मौका मिला था। और द ग्रेट खली को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। द ग्रेट खली कई बार लड़े हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी वहाँ पर उन्होंने जीती है, लेकिन ऐसे में वो स्टोरी लाइन फिक्स पहले से ही होती है ताकि ये भी रहे कि हमारा अंडरटेकर भी आपसे ताकतवर है और आप भी उससे ताकतवर हैं, तो उनकी स्टोरी लाइन एक अलग ही लेवल पर रहती है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि अगर देखा जाए तो द ग्रेट खली की जगह सतपाल सिंह का भी नाम हो सकता था, लेकिन उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। अंडरटेकर के सामने पहली बार द ग्रेट खली सामने आए थे तब भारतीय फैंस और बाकी विदेशी फैंस का क्रेज़ भी अलग लेवल पर था, क्योंकि हाइट से दोस्तों आप पता लगा ही सकते कितने खतरनाक दिख रहे थे वो मैच के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।